हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 543 क्वेश्चन पेपर का पार्ट सेकंड। इस पार्ट टू में हम 86 क्वेश्चन से लेके 170th क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका भी पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने इस क्वेश्चन पेपर के पहले 85 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इस क्वेश्चन पेपर की सारी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 86 क्वेश्चन से। और इसमें एक और बात बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर जो है, ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया गया था नवम्बर 2017 में। तो 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये कंप्यूटर ऑपरेटर का। ये क्वेश्चन पेपर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था HPSSC हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो अब शुरू करते हैं 86 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है इसमें, हु फाउंडेड द मंडी स्टेट इन अराउंड 1200 AD। तो 1200 ईस्वी के आसपास किसने मंडी राज्य की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की गई थी मंडी राज्य की, ए ऑप्शन, बाहु सेन के द्वारा। तो बाहु सेन के द्वारा जो है मंडी राज्य जो है इसकी स्थापना की गई थी 1200 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस इन, तो धामी गोलीबारी त्रासदी जो थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1939 में। सो ए ऑप्शन, 1939 में जो है धामी गोलीबारी त्रासदी जो थी वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गोपाल टेम्पल इज़ लोकेटेड एट, तो गोपाल टेम्पल जो है वो बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंस्टॉल्ड द आइडल ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू इन 1653 AD, तो 1653 ईस्वी में किसने जो है कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी? तो ये की गई थी ए ऑप्शन, जगत सिंह के द्वारा। तो जगत सिंह ने 1653 ईस्वी में कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति जो थी वो प्रतिष्ठापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतास इन लाहौल एरिया आर, तो बेतास जो लाहौल क्षेत्र के हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोफेशनल डांसर्स। जो बेतास होते हैं वो लाहौल क्षेत्र के व्यावसायिक नर्तक जो हैं वो होते हैं। तो ए ऑप्शन, प्रोफेशनल डांसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथेर का खेल इज़ फेमस फेयर ऑफ, जो पाथेर का खेल है वो प्रसिद्ध मेला है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, हैलोग का। तो ये मेला जो है हैलोग में मनाया जाता है, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये पाथेर का खेल जो है एक प्रसिद्ध मेला है हैलोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बतन मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, जो तिब्बती चिकित्सा और खगोलीय संस्थान अवस्थित है वो कहाँ पे है? धर्मशाला में। सौरभ वन विहार इज़ लोकेटेड एट, तो ये है डी ऑप्शन, पालमपुर में। करण राय इज़ अ फेमस वैरायटी ऑफ, जो करण राय है एक प्रसिद्ध किस्म है किस चीज़ की? सरसों की। सो बी ऑप्शन, मस्टर्ड। विच स्टेट हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू सेट अप फैमिली वेलफेयर कमेटीज़, तो कौन सा राज्य भारत का प्रथम राज्य है जिसने परिवार कल्याण समितियों का गठन किया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। तो डी ऑप्शन, त्रिपुरा। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ग्रांटेड $175,000 फॉर हेल्थ केयर ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज इन कॉक्सिस बाजार ऑफ बांग्लादेश, तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने $175,000 का अनुदान रोहिंग्या शरणार्थियों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोक्स बाजार बांग्लादेश में दिया है? तो ये WHO के द्वारा दिया गया है, सी ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम्स आर नॉट डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, तो कौन सी क्रिकेट टीम जो थी वो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जो हुआ था उसके लिए डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई थी? तो इसकी सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ जो थी वो डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिशन मोड टू एड्रेस अंडर न्यूट्रिशन, तो किस शहर ने मिशन मोड टू एड्रेस अंडर न्यूट्रिशन पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की थी? तो ये की गई थी न्यू दिल्ली के द्वारा, सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड शहीद ग्राम विकास योजना टू प्रोवाइड हाउसेज टू फ्रीडम फाइटर्स, तो किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को आवास प्रदान करने हेतु शहीद ग्राम विकास योजना आरंभ की है? तो ये की गई थी ए ऑप्शन, झारखंड के द्वारा। तो झारखंड के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी जो थी शहीद ग्राम विकास
योजना, और इसमें स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनको आवास प्रदान करने हेतु ये जो योजना थी वो आरंभ की गई थी झारखंड सरकार के द्वारा। इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर एनिमल लॉ हैज़ ओपन्ड इन विच सिटी, तो पशु कानून के लिए भारत का प्रथम केंद्र किस शहर में खोला गया है, तो ये खोला गया है हैदराबाद में। तो हैदराबाद में पशु कानून के लिए भारत का प्रथम केंद्र जो है वो खोला गया है। विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज़ बिन ऑनर्ड विद ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड एट ब्रिटेन्स हाउस ऑफ कॉमन्स, तो किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को ब्रिटिश जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड से नवाजा गया था, ये नवाजा गया था बी ऑप्शन सलमान खान को। विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ ऑथर्ड द बुक अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, तो ये पुस्तक जो थी अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है मारिया शारापोवा के द्वारा। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मारिया शारापोवा के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो इसका आंसर होगा अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 2017 इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर का थीम क्या था, तो ये थीम था केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन, डी ऑप्शन केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन। द इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ में, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़। माइक्रोलिथ्स आर द इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ द, जो माइक्रोलिथ हैं वो किसके महत्वपूर्ण औजार हैं, तो वो हैं उत्तर पाषाण युग के इम्पॉर्टेंट टूल्स। तो लेट स्टोन एज यानी कि जो उत्तर पाषाण युग था उसमें जो महत्वपूर्ण औजार होते थे वो होते थे माइक्रोलिथ्स, सो डी ऑप्शन लेट स्टोन एज। महावीराज फॉलोअर्स वर ओरिजिनली नोन एज, जो महावीर के अनुयायी थे उनको मूलतः किस चीज़ से वो जाने जाते थे, तो उनको बोला जाता था ए ऑप्शन निग्रंथ। तो निग्रंथ जो था महावीर के अनुयायियों को इस तरह से जाना जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्रा, जो गायत्री मंत्रा है वो किस में जो है वो निहित है, तो वो पाया जाता है आपके ऋग्वेदा में, तो ए ऑप्शन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा जो में है आपका गायत्री मंत्र पाया जाता है। ड्यूरिंग हुज रिएन डिड शिवाजी कम टू द फोरफ्रंट, तो किसके शासनकाल के दौरान शिवाजी अग्र मोर्चे पर आए, तो ये शाहजहां के शासनकाल में, तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो शिवाजी थे वो अग्र मोर्चे पे आए थे। द पोजिशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वॉज, तो मुगलों का जब शासनकाल था उसमें स्त्री जाति की क्या स्थिति थी, तो इसमें जो स्थिति थी विमेन की वो बदतर थी यानी कि डेट्रियोरेटेड, ये ऑप्शन डेट्रियोरेटेड यानी कि उस काल में मुगल काल में जब मुगलों का शासन था उसमें स्त्री जाति की जो स्थिति थी वो बहुत बदतर थी। इन हुज रिएन डिड द मोरक्कन ट्रेवलर इबन बतूता कम टू दिल्ली, तो किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री जिनका नाम था इबन बतूता वो दिल्ली आया था, तो ये आया था मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में, सो ए ऑप्शन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री जो थे इवन बतूता वो दिल्ली आए थे मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। द दहशाला सिस्टम वॉज अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ, तो ये जो दहशाला प्रणाली थी वो निम्नलिखित ऑप्शंस में से किसका जो था वो अगला विकसित रूप था, तो ये था जब्ती सिस्टम का यानी कि जब्ती जो प्रणाली थी उसका जो फर्दर डेवलपमेंट थी जो अगला विकसित रूप था वो था दहशाला सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एबल टू पुट एन एंड टू सन्यासी रिवोल्ट, तो इनमें से ये जो ऑप्शन आपके पास दी हुई है इनमें से किसने सन्यासी विद्रोह का अंत करने में समर्थ था, यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन वो शख्स था जो सन्यासी जो विद्रोह था उसका अंत करने में समर्थ था, तो वो थे डी ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो सन्यासी विद्रोह का अंत करने में समर्थ था। और वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बनता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, यानी कि जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स।
लाल बाल पाल वर, तो यहाँ पे लाल बाल और पाल की बात हुई है, तो सबसे पहले इनके बारे में जानना ज़रूरी है। जो लाल यहाँ पे रेफ़र किया जाता है वो किया जाता है लाला लाजपत राय को, जो बाल रेफ़र किया जाता है वो किया जाता है बाल गंगाधर तिलक को, और पाल जो है वो थे बिपिन चंद्र पॉल। तो ये तीन नाम हैं, ये जो थे इन ये क्या थे यहाँ पे पूछा गया है, तो ये जो थे गर्म दलीय राष्ट्रीय नेता थे, यानी कि ए ऑप्शन एक्सट्रीमिस्ट नेशनल लीडर्स थे ये तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, तो इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पठार है, तो डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्षिण का पठार जो है वो सबसे बड़ा जो है भारत का पठार है। तो बी ऑप्शन डेक्कन प्लेट्यू जो दक्षिण का पठार है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज़, जो हिमालय की महारानी है वो कहा जाता है कंचनजंगा को, तो बी ऑप्शन कंचनजंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज नॉट रिसीव ऑरोग्राफिक रेनफॉल, तो इनमें से किस क्षेत्र में पार्वती की वर्षा नहीं होती है, तो असम वैली जो है उसमें पार्वतीय वर्षा जो है वो नहीं होती है, तो ऑप्शन सी असम वैली। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज़ नॉट फाउंड इन ब्लैक सॉइल, तो इनमें से कौन सा खनिज जो है काली मिट्टी में नहीं पाया जाता है, तो फॉस्फोरस जो है ब्लैक सॉइल में नहीं पाया जाता, आयरन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों मिनरल्स जो हैं वो ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। द स्टेट प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन इज, जो सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन उत्पाद करती है वो राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। विच हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सा जो है वो मुख्य न्यायाधीश जो हैं भारत के नहीं रहे हैं, तो वो हैं MS गिल। इसके अलावा ये तीनों नाम जो हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो रह चुके हैं, और अभी जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इंडो चाइना ट्रीटी ऑन तिब्बत साइंड, तो इनमें से कौन से वर्ष में तिब्बत पर भारत चीन संधि हस्ताक्षरित हुई थी, तो ये हुई थी 1954 में, यानी कि सी ऑप्शन 1954 में तिब्बत पर जो है भारत चीन संधि हस्ताक्षरित हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो इनमें से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की थी, तो ये की गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने वकालत की थी कौन से लोकतंत्र की, जो दल विहीन लोकतंत्र होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इसमें ए ऑप्शन जो है सही होगा CA, तो इनमें जो है ये डिफरेंट है बाकी तीनों से, सॉरी इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि VX जो है वो बाकी तीनों से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रिपोर्ट वर्ड है इसको डिनोट किया जाता है PRETOR से, तो पर्सन जो है इसको डिनोट किससे किया जाएगा, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन योर बुक फिल इन द ब्लैंक पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा एट। एंटोनिम ऑफ रिपगनेंट इज, तो रिपगनेंट का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, तो एंटोनिम होगा इसका एग्रीएबल, सी ऑप्शन एग्रीएबल। एग्रीएबल होता है सहमत होना और रिपग्नेंट होता है विरुद्ध होना। मीनिंग ऑफ इडियम टू ड्रॉ अ लाइन इज, तो टू ड्रॉ अ लाइन का मीनिंग क्या है, ए ऑप्शन होगा इसका सही आंसर टू फिक्स अ लिमिट, तो टू ड्रॉ अ लाइन इसका मीनिंग है इडियम का टू फिक्स अ लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ब जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप है, तो वर्ब जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप होगा आपके पास भवानी जो है इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन भवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलम तोड़ना मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या है, यानी कि बढ़िया लिखना, सी ऑप्शन बढ़िया लिखना। तत्स्म शब्द जो है वो एक कर्पूर है, डी ऑप्शन कर्पूर। डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर में जाने वाला डाटा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट, बी ऑप्शन इनपुट। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, जो कंप्यूटर की क्षमता होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड, ए ऑप्शन लिमिटेड। मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ, जो आपकी मेमोरी यूनिट है वो एक भाग है किसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। द टर्म GIGO इज़ रिलेटेड टू, तो ये टर्म रिलेटेड है आपकी परिशुद्धता से, यानी कि एक्यूरेसी से, ए ऑप्शन एक्यूरेसी। हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, तो पंच कार्ड का जो खोज है वो किसने की थी, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन क्लियर नहीं है, सही नहीं है, तो डी ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा इसमें।
और जिसके इन्वेंटर हैं उनका नाम है हरमन हॉलेरिथ। हरमन हॉलेरिथ ने इसका जो है इन्वेंशन किया था पंच कार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबाकस वाज डेवलप्ड इन, जो एबाकस है उसका विकास कहाँ हुआ था, तो इसका हुआ था चाइना में, बी ऑप्शन चाइना। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड, तो कौन सी जनरेशन कंप्यूटर्स वाली थी जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुए थे, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो इंक्लूड जो इंट्रोड्यूस थे वो किए गए थे। नाउ आई मैक इज़ अ, जो आई मैक है वो एक क्या है, मशीन है, डी ऑप्शन मशीन। क्रे इज़ अ, जो क्रे है वो क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, ए ऑप्शन सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट, तो इनमें से कौन सा जो है सबसे तेज़ गति का है, तो रजिस्टर्स जो होते हैं इनमें सबसे अधिक तेज़ गति के होते हैं, सी ऑप्शन रजिस्टर्स। टाइप ऑफ माउस इज़, तो माउस का प्रकार है ऑप्टिकल और मैकेनिकल, बी ऑप्शन ऑप्टिकल कॉमा मैकेनिकल। द नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ इन अ कीबोर्ड इज़, तो कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ जो हैं कितनी होती हैं, 12, ए ऑप्शन 12। एक कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स हाउ मैनी कैरेक्टर्स पर सेकेंड, तो एक जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वो एक सेकेंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट करता है, 200 से 4000, डी ऑप्शन 200 से लेके 4000 तक। हाउ मैनी एरो कीज़ आर देयर इन कंप्यूटर, तो एरो कीज़ होती हैं 4, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, 4 जो एरो कीज़ हैं वो रहती हैं आपके कंप्यूटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज माउस, तो ट्रैक बॉल जो है वो एज माउस की तरह कार्य करता है, डी ऑप्शन ट्रैक बॉल। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, डी ऑप्शन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अ स्कैनर स्कैन्स, तो स्कैनर जो करता है पिक्चर्स को स्कैन करता है और टेक्स्ट को भी स्कैन करता है, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। स्क्रीन सॉरी सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, तो जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो किसको रेफर की जाती है, जो स्क्रीन आउटपुट होती है उसको बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन जो है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस इनमें से कौन सी है, तो ये है माउस, ए ऑप्शन माउस। USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज, तो जो USB टाइप स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है, एक सेकेंडरी है, तो ए ऑप्शन सेकेंडरी। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, जो मेन मेमोरी है कंप्यूटर की वो कौन सी है, ए ऑप्शन इंटरनल। फ्लैश इज अ, तो फ्लैश जो है वो क्या है, रैम, डी ऑप्शन रैम। CD इज एन, CD जो है एक ऑक्सिलरी मेमोरी है, तो सी ऑप्शन होगा सही आंसर, ऑक्सिलरी मेमोरी। यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, जो कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता की इकाई है उसको बोला जाता है बाइट, ए ऑप्शन बाइट। DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मीनिंग ऑफ IBM इज, तो इसकी फुल फॉर्म होती है IBM की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डिवेल्प फॉर प्रोग्रामिंग इज, तो प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई प्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो ये है ए ऑप्शन फोर्ट्रान। विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, तो साइंटिफिक कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स होती है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, फोर्ट्रान, बी ऑप्शन फोर्ट्रान। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स वो अक्सर कहाँ यूज जो है वो किया जाता है, वो किया जाता है वेब सर्वर्स पे, डी ऑप्शन वेब सर्वर्स। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, तो इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली जो कंप्यूटर भाषा है वो कौन सी होती है, सी ऑप्शन जावा। इन विच लैंग्वेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल, तो किस भाषा में सबसे सटीक डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो यह है कोबोल में, बी ऑप्शन कोबोल। लॉजिक गेट इज, तो जो लॉजिक गेट हैं वो एक परिपथ का प्रकार है, यानी कि ए टाइप ऑफ सर्किट हैं, तो लॉजिक गेट जो हैं वो एक टाइप ऑफ सर्किट हैं, बी ऑप्शन ए टाइप ऑफ सर्किट। 1 KB इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 KB किसके बराबर होता है, ये होता है 1024 बाइट के बराबर, बी ऑप्शन 1024 बाइट। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, तो ये होती है टेराबाइट, डी ऑप्शन टेराबाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर इज, तो जब सॉफ्टवेयर में बग्स को सर्च किया जाता है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग, डी ऑप्शन डीबगिंग। तो जब सॉफ्टवेयर में बग्स जो हैं वो सर्च किए जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग। लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, तो लिनक्स जो है वो एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, बी ऑप्शन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यूनिक्स वॉज डेवलप्ड इन, तो यूनिक्स को डेवलप कब किया गया था, तो ये किया गया था 1969 में, बी ऑप्शन 1969। बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज, तो यूनिक्स की जो बेसिक भाषा है वो है असेंबली, सी ऑप्शन असेंबली। द वर्ड कैड इज रिलेटेड टू, तो वर्ड कैड जो है वो रिलेटेड है डिज़ाइन से, बी ऑप्शन डिज़ाइन। तो इधर गाइज आज की इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।